हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं राघवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर SKV एजुकेशन, सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी। तो आज हम सभी लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो बहुत कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो नीट या PMT लेवल के होते हैं, IIT लेवल के, जो हमें समझ में नहीं आते कि एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, या हमारे BSc या इंटर लेवल में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो हम लोग बड़ा सुंदर सा देख लेते हैं एरोमेटिक करके हम लोग लिख देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी। देखते हैं, देखो पहली बात क्या है, हम लोग इधर लिख लेते हैं एरोमेटिक होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको फॉलो करेगा तो वो कंपाउंड आपका क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक बोला जाएगा। वो प्रॉपर्टीज आपके सामने में लिखना, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग फॉलो कराएंगे सारे कंपाउंड। पहला क्या है, जब एसपी टू हाइब्रिडाइज होगा तो उसमें ज्योमेट्री तो आपको पता है कैसी होगी, प्लेनर होगी, यानी प्लेन में होने चाहिए। बात इसको बना लो। और चौथी बात क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंजुगेशन में होना चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे अगला क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट बात है वो क्या है, वो हकल्स रूल को फॉलो करना है, वो हकल्स रूल को फॉलो करना है, हकल्स रूल को फॉलो करना। तो हकल्स रूल क्या है सभी लोगों को पता है, हकल्स रूल क्या है, 4n+2 = 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये हकल्स रूल, ठीक है ना। अब देखो ये हमारे पास एरोमेटिक की प्रॉपर्टी है, सब भूल जाओ। अभी याद रखो कि साइक्लिक होना चाहिए, स्पिन हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी होगी तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाएगा। अगर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी तो वो कैसा बोला जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए साइक्लिक होना चाहिए। बहुत सही सर आपने कहा, देखो साइक्लिक अगर है कंपाउंड तो कंफर्म नहीं है, यहां से साइक्लिक कंपाउंड मिला तो ये कंफर्म नहीं है कि वो एरोमेटिक होगा। अगर एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन मिला, प्लेनर मिला तो कंफर्म नहीं वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन मिला, कंफर्म नहीं एरोमेटिक होगा। बात समझ गए ना, देखो तो दूसरा क्या है, इसके लिए भी प्रॉपर्टी क्या है, एसपी टू हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एसपी टू हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी इसके लिए भी वही सेम है कि कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन वो प्लेन में होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसके लिए भी जो तीसरी बात है वही क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। और इसके लिए जो लास्ट बात है वो क्या है, हकल्स रूल को ये फॉलो नहीं करेंगे, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो इनके लिए एक रूल है वो हम लोग लिख देते हैं नॉर्मली, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब 4n pi इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग तो n बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको पता है ये किसके मल्टीपल में होंगे, 4 हो सकता है, समझे ना, 4 होगा या तो कितना होगा, n = 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 20। यानी कि इतनी अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं
में भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन में आपको पता है कि पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3। तो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 इसमें कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि वो क्या हो सकता है, हैकल समूह को फॉलो कर सकता है, इधर वाला हो सकता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग 4N+2 लगाते हैं, तो एन ए किस मल्टीपल में ये होता है, तो ये कैसा हो सकता है, एन अगर एन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 2 हो सकता है, तो 10 हो सकता है, 3 होता है तो 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, उसके बाद 22 हो सकता है। यानी कि एक बात सब लोग समझ लो कि हम लोग अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मिलता है तो वो 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on होते हैं, तो वो हकल सुरूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगर 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ऐसे होते हैं तो हकल सुरूल को फॉलो करेगा। बात समझ गया ना, तो यानी कि ये हकल सुरूल और ये हकल सुरूल की बात होगी कितनी कहानी होंगे। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है, अगर इसको फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक है, सारी कंडीशन को आल्सो फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, ये सारी कंडीशन को फॉलो करेगा, एरोमेटिक कहलाएगा। एक कहानी और हमारे पास बच जाती है, वो है हमारे पास कहानी नॉन एरोमेटिक, वो कहानी हमारे पास है नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक मिलना क्या होते हैं, देखो जरा नॉन एरोमेटिक तीसरी कहानी। देखो इसमें साइक्लिक थे, इसमें जो हाइब्रिडाइज थे, प्लेनर थे, इनमें से कोई एक बात नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। हो सकता है प्लेनर हो बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी हो सकता है कि साइक्लिक हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। बात समझ गए ना, हो सकता है नॉन प्लेनर हो, जब sp3 होगा नॉन प्लेनर होगा। बात समझ गया, कुछ भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकता है कि नॉन साइक्लिक हो सकते हैं कंपाउंड, नॉन साइक्लिक हो, बाकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपके क्या बोले जाएंगे, एंटी सॉरी नॉन साइक्लिक, नॉन एरोमेटिक बोले जाएंगे। तो कैसे हो सकते हैं, नॉन साइक्लिक हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं। और अगली जो बात है वो क्या है, ये कैसे हो सकते हैं, नॉन प्लेनर हो सकते हैं, नॉन प्लेनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको रफ करते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारा होता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स, तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक बहुत प्यारा सा पहला एग्जांपल, यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया है। और पहला एग्जांपल आपका कौन सा है, ये हमने बना दिया, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। अगर देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे आपके पास तो वो क्या होगा, ये वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, एरोमेटिक को फॉलो करेगा, 2 हमारे पास हो गए, हकल सुरूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन कहानी क्या है, कहानी ये है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, जिससे क्या होगा, ये इस कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा। बात समझ गया, नहीं समझे अभी हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, इसी का एक कैटायन है, तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास देखिए कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो हमारे पास कैसा बना जाएगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो साइक्लोप्रोपीन आपके पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है, बहुत सही सर आपने बताया। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और कैटायन बनाते हैं इसका, ये देखिए, ठीक, यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, हकल सुरूल को तो फॉलो कर रहा है, हकल सुरूल को फॉलो कर रहा है, गुड सर, हकल सुरूल को फॉलो कर रहा है। और देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये यहाँ बन गया है क्या, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और ये डीलोकलाइज भी होते रहेंगे यहाँ से वहाँ, क्योंकि ये बॉन्ड एक बार इधर को टूट जाएगा, यहाँ निगेटिव,
और याद रखना इसके बारे में, ये सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड है, बात समझ गए ना, सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड ये है, ठीक है। उसके बाद जो अगले बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल अपने पास कौन सा है? थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है, ये देखिए, ये थर्ड एग्जांपल क्या है? थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है साइक्लो, साइक्लो 1 2 3 4 सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ब्यूटाडाइन, साइक्लो ब्यूटाडाइन, साइक्लो ब्यूटाडाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, 1 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हम कंडीशन को देखते हैं, इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन को देखते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा होगा, प्लेनर होगा, होगा ठीक है ना, कैसा होगा, प्लेनर होगा। sp2 लिख दिया मैंने, sp2 लिख दिया, sp2 लिख दिया मैंने, sp2 लिख दिया, ये कैसा है, प्लेनर है, ठीक। कंडीशन को फॉलो कर रहा है, sp2 को फॉलो कर रहा है, प्लेनर को फॉलो कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को मिला है, ये सब को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब गुरु जी, यहाँ आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बहुत सही सर आपने बताया, अब सर हम बहुत सारे कंपाउंड को खुद से बता सकते हैं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रफ करें और आगे बताएं कुछ कंपाउंड को, ठीक है ना, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, ठीक। इनको हम रफ करते हैं, इनको नोट करना हम नोट कर लें, इनको रफ करते हैं हम, और कुछ एग्जांपल्स की और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, एक हम लोग और बात करते हैं, ये देखिए, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा, इसका नाम है क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, इसका क्या नाम है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अगर अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, तो आपको पता है 4 × 8 मतलब 8 हो गया, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, 8 कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको ये कौन सा फॉलो करेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा, हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 एंड सो ऑन, हर जगह पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसको कंपाउंड को कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, और हम लोग इसको लिख लेते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये, लेकिन हमारा 100% गलत हो गया, सब किए कराए तो हो गई सत्यानाश, यानी कि पानी फिर गया भैया, लेकिन कोई बात नहीं, देखो ये एक ऐसा है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इट इज फ्लेक्सिबल, ये क्या है भैया, फ्लेक्सिबल होता है। अब फ्लेक्सिबल की वजह से देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह पे था, आपको पता होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए, जब प्लेनर होगा तभी ये कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन ये प्लेनर ना होकर एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये 3D स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये कुछ ऐसा दिखाता है, ये कुछ स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा होता है, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा होता है जिसकी वजह से ये प्लेन में नहीं होता है, और प्लेनर नहीं होता ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है, और जब नॉन प्लेनर हो जाता है ये कंडीशन देखो, इट मींस जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका नॉन एरोमेटिक है, क्या है भैया, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ओके समझ गए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले देखते हैं हम लोग, अगले कुछ कंपाउंड की बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है, पूरा कर देते हैं, इधर से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इधर की चर्चा कर लेंगे, देख लो आपको नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, जो
भैया मेरी इतनी बात याद रखना कि हमारी लड़ाई जो है ना वो हमारी खुद से लड़ाई है। सक्सेस होने के लिए हमारी लड़ाई खुद से हमारी लड़ाई है, किसी दूसरे से लड़ाई नहीं है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हम सक्सेस हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, उस दिन आप सक्सेस हो 90% उस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं, जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि हम कर सकते हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया हम कर सकते हैं, उस दिन हम कर सकते हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने जब जन्म लिया था ना तो उनका भी दिमाग 1350 cc था और हमारा भी 1350 cc, आपका भी 1350 cc है। तो कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ये आपके पास एक है, ठीक है। इसका क्या नाम है कोई हमें बताएगा, इसका नाम क्या है? ये है आपके पास साइक्लो, ठीक है। मेल एक प्रो पेंट पांच साइक्लो पेंडा ढाई, ठीक है ना। साइक्लो पेंडा ढाई की कहानी देखते हैं, ये लो साइक्लो पेंडा ढाई। साइक्लो पेंडा ढाई में अगर देखोगे आप लोग तो ये कितने हैं, फोर है। अब फोर मतलब बोले तो ये वाला है, यानी ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा ये? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ रहे? अभी देखो साइक्लो पेंटाडाइन है, दो दो चार होंगे। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहानी गड़बड़ा गई, अब कहानी गड़बड़ा गई तो गुरु जी आप हमें बता दो। जे देखो मिल गया है, नॉन एनोमेटिक। नॉन एनोमेटिक क्या कहता था? नॉन प्लेनर होना चाहिए या sp3 होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो गया? देखो एक यूनिट में सब सब करना जो होना चाहिए था एरोमेटिक, वो आपका क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक का पानी बन गई, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो गया। इसी का अगर हम लोग कटायन ले लें, इसी का कटायन ले लें, चलो ये ले लिया दूसरी बार एक गुरु जी आप हमें बनाने वाले हो ओ सिया कबीर। हमने कटायन ले लिया, अब कहानी क्या होगी देख लो भैया। कहानी देखो sp2 बिल्कुल कहा जाएगा गुरु जी। अभी आपने इससे पहले के एग्जांपल में बात की कि ये क्या है, ये कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये देखो 4 भैया, एंटी एरोमेटिक की कहानी शो करता है बिल्कुल। sp2 बिल्कुल sp2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अगली कहानी देखते हैं। अगर इसी का हम लोग फिनाइल ले लेते हैं, अगर इसी का हम लोग फिनाइल ले लेते हैं, इसका साइक्लोपेंटाडाइन का, फिनाइल ले लेते हैं हम लोग, और साइक्लोपेंटाडाइन का अगर फिनाइल ले लेते हैं हम लोग, तो फिर भैया हमारे पास फिनाइल कौन सा होगा? ये फिनाइल। अब इसमें देखते हैं हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो चार दो छः। अब छह इलेक्ट्रॉन ये हो गया, देखो हकल्स रूल फॉलो कर रहा, फॉलो द हकल्स रूल। और जब हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो कहानी क्या हो जाएगी? कहानी हमारी हो जाएगी कि साइक्लिक भी है sp2 भी है। देखो ये sp2 को दिखाता है कैटायन या कार्बो कैटायन हो या कार्बो एनायन हो, वो आपका कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, ठीक। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये आपने समझ रखा है, ये आपको आता है ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको नहीं आता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों ने बताया सर एरोमेटिक में बहुत डिफरेंस, बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे एरोमेटिक होते हैं, कैसे नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। कभी आपसे सही बोल रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। कभी जल्दी अब ये हो गया हमारे पास, अगला देखते हैं हम लोग कोई और लेकर आते हैं। इनको नोट कर लो, आप लोग मिटा देते हैं, मिटा दे बिल्कुल सब मिटा दो आप, ठीक मिटा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा?
जितने पॉसिबल हो सकता है उतने मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब आते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड जो आपके बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन कंपाउंड को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहली ही लाइन हम लोग लिखते हैं कि दिस इज ए एरोमेटिक और दिस इज ए नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हो क्या, बहुत प्यारा सा एक है, उसे हम लोग बोल देते हो क्या, आप सभी लोग बोलते हो, हम सभी लोग बोलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है वो आपके पास। ये क्या है, ये आपका पायलॉग है, ये आपके पास क्या है, ये पायलॉग है आपके पास, ठीक है, ये पायलॉग है आपके पास। दूसरा आपके पास कौन बना दिया मैंने, पायलॉग के बाद दूसरा आपका कौन सा है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब पायलॉग में देख रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, सबको पता है, तो लोन पेयर यहाँ पर पाया जा रहा है, ऑक्सीजन है। दूसरा आपके पास कौन सा है, फ्यूरॉन, ठीक, फ्यूरॉन है। अब इस फ्यूरॉन को अगर आप लोग देखते हो तो इस फ्यूरॉन में लोन पेयर एक बाहर की तरफ होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं साथ से, तो ये फ्यूरॉन हो गया भैया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से समझ लेना इन सबको। उसके बाद एक अगला आपका हो गया, अब वो हम लोग लिख देते हैं क्या है, थायरफिन, सल्फर, सल्फर के पास भी अपने क्या है, लोन पेयर, ये दो लोन पेयर, ये क्या है आपके पास, थायोफिल, ये आपके पास कौन सा है, थायोफिल, इनको देख लेते हैं, बाकी के अभी आगे और देख लेते हैं। थायोफिन के बाद देखो एक और बना लेते हैं यहाँ, जो यहाँ पर आपके पास स्पेस भी है, स्पेस है, मौका है, दस्तूर है, छाप देते हैं क्यों भाई, ये हमारे पास है और इसका नाम जानते हो आप क्या है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, इसका नाम है आपके पास पायरिडीन होता है कि पिपरिडीन होता है, जल्दी बताओ, पायरिडीन, पायरिडीन, एक मैंने पायरिडीन बना दिया, ये कौन सा था, ये थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर है, और यहाँ पर मैंने बना दिया फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर मैंने क्या बना दिया, चलो इतने देख लेते हैं, इतने देख लेते हैं, उसके बाद रफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है, इतने देख लेते हैं हम लोग, जो आपके पास क्या बोले जाते हैं, आपके पास ये जो है जितने भी हैं वो एरोमेटिक हैं कि एंटी एरोमेटिक है कि वो नॉन एरोमेटिक, ये सब हम लोग देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सारे आते हैं, देखो इस नाइट्रोजन को देखते हैं, ठीक, एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड तीनों जगहों में पाया जाता है, और यहाँ पर भी एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड पाया जाता है, हम ऐसे एसपी को बच्चे देखते हैं, लेकिन देखो ये लोन पेयर जो है और ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, आप लोग नोट कर लेना, उसके बाद बात करते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग तो इसमें गुजर गुजर कर देंगे, आपको हो गया गुरु जी, हमें तो सब दिखाई नहीं पड़ रहा, सब आपने काट दिया, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, छः सिक्स है, इसको फॉलो कर रहा है, सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है भैया, एरोमेटिक है, इसमें भी सेम कहानी है, सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हाईलाइट कर देना, इसमें जो अंदर वाले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ये वाला एक लोन पेयर ना वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी ये वाला जो लोन पेयर है ना वो जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसकी वजह से फ्यूरॉन भी आपकी क्या हो जाती है, एरोमेटिक हो जाती है। इस थायोफिन में आते हैं, थायोफिन में भी सेम कहानी यही है कि भैया आपके पास ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से ये भी आपका एरोमेटिक हो जाता है, और ये वाला जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है डीलोकलाइजेशन में। इस वाले कहानी में क्या कहानी है, समझ रहे हो ना, ठीक है, इसमें क्या है, इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते डीलोकलाइजेशन में, इसके लोन पेयर खाली ऐसे बचे रहते हैं,
समझ गए ना, इसके लोन पे खाली बचे रहते हैं, कहां है पाइरिडीन, तो पाइरिडीन दो तो चार बच एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए आप एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जोर से बोलते हैं क्या, जय माता की, क्या भाई इसको मिटा देते हैं सारे एरोमेटिक है। एक और बहुत प्यारा सा है, देखते हैं हम लोग, ये इसका नाम जानते हैं आप सभी लोग क्या है, नेप्थलीन, ठीक है ना, इसका नाम आपके पास है नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या होता है कंडीशन भैया, नेप्थलीन में आप देख लो एक दो तीन चार पाँच फाइव इलेक्ट्रॉन्स को टेन हो जाएगा साइक्लिक है, साइक्लिक जो आर्कडाइड है, प्लेनर है, फाइव इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, सो मे बी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बहुत सारे प्यारे प्यारे से हैं, ठीक है। एक आपके पास और प्यारा सा है, वो हम लिख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट भैया, ये पिरिमिडीन, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है पिरिमिडीन, किसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, जिससे क्या है ये और ये और ये सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट, ये क्या करेगा, इन सब को फॉलो करेगा, इन सारी रूल्स को फॉलो करेगा, तो ये पिरिमिडीन भी जो हो जाएगा ना, तो पिरिमिडीन भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत सही सवाल होता है, पिरिमिडीन भी एरोमेटिक हो जाएगा, नेप्थलीन भी एरोमेटिक हो गया आपके पास। अब बचा कौन सा आपके पास, जो क्या नहीं है, नहीं क्या नहीं है, ये सारे इतनी कंडीशंस हो गए भैया, और एग्जांपल तो मैं आपके सामने बहुत सारे डिस्कस कर सकता हूँ कि सर ये बता दो वो बता दो। फिलहाल आप सभी लोग गूगल से देखो और जितने भी आपके सामने आए कि कौन सा कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है, उन सबको आप हिट करो। अगर कोई कंपाउंड आपके पास हिट नहीं हो पा रहा है, नहीं आप समझ पा रहे हो कैसे क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उनको जरूर एक्सप्लेन करूँगा, मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। फिर से एक बार देख लो, ये कंडीशंस और ये कंडीशन को आप हर कंपाउंड पे फॉलो कराओ। दुनिया का कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसे आप ना बता सको कि वो एरोमेटिक है, कि वो आपके सामने एंटी एरोमेटिक है, या आपके सामने वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। फिर भैया सभी लोगों से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत चल रही है, बहुत वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।